अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वेज ब्रेड पेटीज। बहुत ही कम तेल में और बिना डीप फ्राई करे इसे हम पैन में बनाएंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले फ्राई पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़े से मटर। इसको हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। देखिए 2-3 मिनट भूनने के बाद मटर हमारे पक चुके हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए मैंने ये 2 आलू को उबाल कर ले ली हूँ और उसका छिलका भी निकाल ली हूँ। इसको अब हम मैश करेंगे। देखिए आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। ये एक छोटी शिमला मिर्ची है और अभी मैं इसमें डालूंगी एक बारीक कटे हुए प्याज और अभी हम डालेंगे पके हुए मटर। अभी हम डालेंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिरी पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। अब इन सारी चीज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम बेसन का बैटर बनाएंगे। देखिए बाउल में मैंने 1 बाटी हुई बेसन का आटा ली हूँ। इसमें डालूंगी 1 चुटकी खाने का सोडा, नमक स्वाद के हिसाब से। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है क्योंकि ये पतला ना हो जाए। अभी हमें इसमें और पानी की ज़रूरत है। मैं और थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी और मिक्स करूंगी। देखिए बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमें ऐसे ही पतला चाहिए। फ्राई पैन में अब हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। अभी ब्रेड को मैं बेसन के इसमें डुबा दूंगी दोनों तरफ और हम अब फ्राई पैन में इसको रख देंगे। दूसरा ब्रेड भी हमें ऐसे ही बेसन में डुबाना है और चारों तरफ बेसन हमें लगाना है और इसको भी मैं पैन में रख दूंगी और थोड़ा सा बेसन इसमें ऊपर सब लगाऊंगी। अभी मैं इसके चारों तरफ थोड़ा सा तेल डालूंगी ताकि अच्छे से पके और इसे बारीक आंच पे ही हमें पकाना है। देखिए ये ऊपर का आटा सूख चुका है यानी कि पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब हम इसको थोड़ा सा जरा इधर उधर कर देंगे ताकि ये चिपकेगा नहीं। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको आराम से पलट लेंगे। देखिए ये कितना अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसके ऊपर रखेंगे आलू का मसाला जो हमने बनाए थे। देखिए हमने चारों तरफ आलू का मसाला लगा दिए है। अब हम इसे नीचे भी पकने देंगे। देखिए नीचे से भी पक चुका है। अब हम इसमें बीच में ऐसा कर देंगे और इस ब्रेड को इस ब्रेड के ऊपर रख देंगे। देखिए हमने ब्रेड पलट दिए। अभी इसको और थोड़ा सा पकाएंगे। अब हम इसको दोबारा से पलट देंगे। देखिए दोनों साइड से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। माशाल्लाह देखिए बिना डीप फ्राई करे हमारी वेज ब्रेड पेटीज बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना वेज ब्रेड पेटीज कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।